वेलकम वेलकम टू बग बग विद करण राजदान। आज हमारे एक बहुत ही कमाल के गेस्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी को कुछ से कुछ बना सकते हैं। प्लीज़ वेलकम पराग अवस्थी। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल बग बग। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। इतना खुश हूँ मैं। पराग सिर्फ एक वास्तु एक्सपर्ट ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और मैं नहीं जानता क्या क्या और टैलेंट्स हैं, बट ये वास्तु आपका मेन जो है वर्क लाइन ऑफ वर्क है। या वास्तु मेन लाइन ऑफ वर्क है और उसमें क्योंकि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ सर, कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो उसके अंदर फिर अगर नहीं आया तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी जोड़ देता हूँ। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की मुझसे अभी की। एक बात बताओ पराग, अगर सपोज मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ और हमने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, सो मच अमाउंट इज नाउ यू नो एंड यू आर गोइंग टू टर्न दिस इनटू दिस, तो क्या एग्रीमेंट बनता है कि यस ये अमाउंट एंड आई विल अचीव दिस रिजल्ट? सर क्या एक्चुअली होने वाला है ये तो हमें पता नहीं है। मतलब ऑनेस्टली जब हम एक पेड़ की हम जो सीड्स डालते हैं है ना, तो पेड़ सही से आएगा कि नहीं आएगा है ना। तो व्हाट वी गिव इज व्हाट वी प्रॉमिस इज अ बेस्ट एफर्ट, कि हम बेस्ट एफर्ट लगाएंगे। और हाँ, बाकी आप मेरे लाखों क्लाइंट से बात कर सकते हो कि क्या रिजल्ट्स आए उनको, अगर आप कन्विंस होते हो तो फिर डेफिनेटली यू शुड जस्ट जंप इन। सो आई मीन बेसिकली यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स जहाँ क्लाइंट्स ने आपके बारे में बात की होगी और बताया होगा कि पराग ने हमारे लिए ये किया। पराग थोड़ी सी झलक तो दे दो। मैंने उड़ते उड़ते खबर सुनी कि किसी को अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो वो भी वास्तु से किया जा सकता है। इसमें क्या होता है सर, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम की तह तक जाना, यानी कि जब भी हमने एक केस किया था कि उनके यहाँ बच्चा ना उनकी बेटी को हो रहा था ना बेटे को हो रहा था, ये केस अहमदाबाद का था। ये भी इस केस में हमने जो वास्तु पुरुष मंडला में एक एनर्जी होती है पितृ, वहाँ से हमने सिर्फ वो टॉयलेट सीट, क्योंकि वो बंगलो था बहुत बड़ा, तो हमने कहा कि ये सीट निकाल दो, वैसे उसको सिर्फ एक टेप से या मेटल से भी वहीं ट्रीट कर सकते हैं, वो निकाला और उनके घर में बेटी को भी जुड़वा हुआ है, बेटे को भी जुड़वा हुआ है। वो था साउथ वेस्ट। दूसरा किस्सा था कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बच्चा हमारा गिर गया, उनके दो बच्चे गिर चुके थे, तो यानी कि वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, यानी कि हमने पौधा लगा दिया लेकिन फ्रूट्स नहीं आ रहे। तो उस वक्त हम अगर एंग्जाइटी के एरिया में या वेस्ट के एरिया में देखेंगे, जो जो कि इच्छा पूर्ति करता है उसमें देखेंगे, तो वहाँ पे टॉयलेट है या डस्टबिन है, कचरा है, उनको हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो होना शुरू हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से उस दिशा में सिर्फ जाएंगे अगर, तो वहाँ पे मिलता है जो भी प्रॉब्लम उसको ठीक कर देंगे। तो मतलब आगे से मैं पॉपुलेशन बढ़ाने की बात अगर करूँ तो आपके बारे में ज़रूर सोचूँ। मुझे बताइए जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और उनकी क्या मतलब परेशानियाँ क्या होती हैं? एक्चुअली ऐसा आई थिंक है ही नहीं जो मुझे मिला नहीं हो। आई वुड से मैंने अगर जैसे बच्चा नहीं हो रहा है, शादियाँ नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं आ रहा है। अच्छा, शादी कैसे करवा देते हो? सर शादी के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे होता है इसमें। यानी कि सबसे पहले अगर आप क्लियर नहीं हो कैसा लड़का चाहिए आपको, तो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं। अगर आपको चाहिए कि हमें पता है कैसा चाहिए लेकिन डिमांड्स बहुत हाई है, तो नॉर्थ ईस्ट में और एक है जहाँ पर सिख ही देवता होते हैं, वहाँ पर उस जगह पर जब कुछ चेंज करते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बेटर हो जाती है, कि वैसा सच में ऐसा सुपरमैन सब तो नहीं होता है, तो वैसा सच में आदमी हो जो मिले आपको, जो लड़का हो। अगर वो भी सब सही है और कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहे, तो एक आर्यम अगर की एनर्जी फील्ड होती है ईस्ट में, उसको ठीक करोगे तो वैसे रिश्ते आने लगते हैं आपको। और रिश्ते आ रहे हैं लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, तो आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो कि चर्निंग की दिशा है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, वहाँ को चेंज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब लगे कि सब हो रहा है लेकिन फाइनली एकदम अभी भी कुछ मिसिंग है, तो वेस्ट में करेंगे, तो वेस्ट में आपको चाहिए वैसा आ जाएगा। तो जब भी किस लेवल पे फंसे हुए आप, उस लेवल पे जब वो काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे रिश्ता आना, मतलब वो फाइन ट्यून करके कर सकते हैं। माय गॉड, मतलब ये ज्ञान तो मतलब इसका मेरे को रत्ती भर ज्ञान नहीं है। और आपके गुरु कौन? सो मैंने वास्तु बहुत जगह से, मैं तो वास्तु के बैकग्राउंड से नहीं था, मैं नहीं हूँ इनफैक्ट, और मैंने काफ़ी जगह से वास्तु किया पहले, जैसे क्रिस्टल से करते हैं, पिरामिड से करते हैं, वो सारा काफ़ी कुछ मैंने किया सीखा। और मुझे समझा कि ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है इतना, यानी कि प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हम सारे लेकिन उनके वो रिजल्ट्स नहीं जो आने चाहिए। कुछ ना कुछ चेंज तो आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
पर जब आपको सही में अच्छा काम करना होता है तब आपको, तो वास्तु का मतलब है वस्तु। और मैं देखा कि डॉक्टर खुशदीप बंसल करके जो है, जो दिल्ली में है, उनका मैंने प्राइम, मैंने उनसे काफ़ी सीखा और उनका मैं काफ़ी फेवरेट शिष्य भी रहा हूँ उनका, और उन्होंने मुझे बेस्ट आचार्य का अवार्ड भी दिया हुआ है। और वो करते करते मैंने अपनी भी रिसर्च उनके बेस पे मैंने रिसर्च शुरू कर दी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी मैच होती है, न्यूमरोलॉजी मैच होती है, हर एक एनर्जी फील्ड कैसे काम करती है। मतलब मैंने इस हद तक एक्सपेरिमेंट किया है सर कि मेरे घर पेंट के डिब्बे होते थे और मैं खुद ही अपनी दीवार पेंट करता था कि यहाँ पे ब्लू कलर करने से गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तो मैं ब्लू कलर पेंट करता था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था और फिर मैं उसे चेंज करता था। ओह माय गुडनेस, ये सच में काम करता है कि नहीं? मतलब आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे? और क्लाइंट पे नहीं कर सकते ना, यानी पुलिस केस हो जाता है। खुद पे करो जो करना है सब। और न्यूमरोलॉजी वर्क करती है नहीं वर्क करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने अजय देवगन के साथ 4 पिक्चरें की, दिलवाले दिलजले, दीवाने और कयामत। फिर जब मैंने अजय को देखा कि उसने देवगन को चेंज कर दिया एंड वंस अगेन हिज लाइफ यू नो स्टार्टेड टचिंग द टॉप, तो मुझे लगा कि वाकई शायद मेरे को भी अपना करण राजदान जो है ना उसको कर्ण राजदान कर देना चाहिए। जिस तरह वो कर्ण थे महाभारत में। तो बट टेल मी समथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि अगर मान लो कि कोई 5 तारीख को पैदा हुआ है, तो 5 तारीख को आई थिंक यू आर बोर्न 26th, वो पूरे मीडिया में गलत है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 26 को तो मुझे दुनिया अकेला छोड़ देती है, 25 को सब विश कर देते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, आज मेरा बर्थडे नहीं है। लेकिन आपने बता दिया सर। ये तो है, नहीं कुछ लोगों को पता है। तो 26 नंबर जैसा है तो 2 और 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, राइट? यानी कि 8 नंबर, यानी कि आप शनि में ज़्यादा मानोगे। आपने शायद शनि के पिक्चर बनाए हुए, एट शनि बनाए हुए, क्योंकि सैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि आपको पसंद होगा कि कोई टाइम पर आए, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन देता है, तो आपको यह या तो आप खुद टाइम पर आना पसंद करते हो और आप इंश्योर करते हो कि लोग भी टाइम पर आए, और जैसे टाइम पर कुछ नहीं होता तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो आपके घर का वेस्ट मुझे अगर मैं ठीक रखूँ हमेशा, तो आप क्योंकि ये जो 8 नंबर है ये आपके साथ, आप होइए, आप इस डेट को पैदा हुए तो इस साथ जुड़े हुए, अगर मैं आपके घर के वेस्ट को हमेशा साफ सुथरा रखूंगा, क्लटर फ्री रखूंगा, वहाँ पे प्लांट्स अगर नहीं रखूंगा और वहाँ पे आपका हो सके तो बेडरूम या घर का एंट्रेंस दे दूंगा, तो आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्ट हो जाओगे कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। जैसे न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हैं वास्तु के साथ। ओके वाओ, और एस्ट्रोलॉजी को तो आप कनेक्ट करते ही हैं, तो सैटर्न आ गया, सैटर्न का डायरेक्शन वेस्ट है। अच्छा, वेस्ट में यानी क्लटर फ्री रहना चाहिए। हाँ, यूजुअली होगा ही, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यूजुअली आपके आपकी सोल चूज करते हैं कि मुझे ये यहाँ पे क्लीन चाहिए बस, और वो हो जाता है। अब तो वेस्ट में मेरी वाइफ ने शिवलिंग का एक छोटा सा मंदिर बना दिया है। हाँ देखो, मतलब आसपास कुछ आ भी नहीं सकता, और नहीं है ना, हमारे चप्पल भी नहीं आ सकते अब। हाँ, तो ये पावर है आपके 8 नंबर का, क्योंकि आपने चूज किया ये, तो ऑटोमेटिकली चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। और मेरे फ्लैट का नंबर भी 71 है। 71 है। अभी आप देखोगे तो आपके फ्लाइट की टिकट, जब आप फ्लाइट बुक करोगे तो फ्लाइट की टिकट की सीट नंबर, अच्छा, वो भी आपको 26 मिलेगी या 17 मिलेगी। जैसे होटल के रूम्स, होटल के रूम्स मिलेंगे। आप जिस गाड़ी के आगे जा रहे हो, आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, अगर वो 8 नंबर है तो चांस है कि वो आपको जल्दी पहुंचाएगी, अगर आपको कुछ करना है तो। Okay. तो वो आप देख सकते हो कि इस नंबर की गाड़ियाँ मुझे हमेशा आगे लेके जाती है, तो उनको फॉलो करोगे तो जल्दी पहुंच सकते हो डेस्टिनेशन पे। माय गुडनेस मी, यार ये तो एक अलग ही दुनिया है पराग, बिल्कुल हमारी दुनिया से एक अलग दुनिया। मतलब मेडिटेट तो मैं करता हूँ, और मेडिटेशन में यू नो यू रीच अनदर वर्ल्ड, और रादर यू रीच नो वर्ल्ड। मतलब वो आपका नाम, आपकी शख्सियत कुछ भी जहाँ एग्जिस्ट ना करे, मेडिटेशन तो अल्टीमेटली वही हुई। बट तुम्हारे पास मतलब आध्यात्मिक लोग आते हैं, मतलब कोई ऐसा आता है कि मैं भगवान को पाना चाहता हूँ? भगवान को पाना चाहता हूँ, हाँ। मेरे पास एक आए थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वो, और वो वास्तु भी करते थे, और उन्होंने काफ़ी मेरा नाम सुना था, कहीं कोई किसी क्लाइंट ने बताया था, तो उन्होंने कहा कि तुम हमेशा बात करते हो कि तुम चाहिए वो कर सकते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो क्या? मैंने कहा बताइए सर क्या कर सकता हूँ। बोले मुझे, मैं अपने गुरु से 20 साल से नहीं मिला,
और मैंने उनको चिट्ठी लिखी है 5 साल पहले, उस चिट्ठी का जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें ऐसी पूछी है मैंने जो जो मैं चाहता हूँ कि वो जवाब दे तो मैं करूँगा आगे। वो मेरी सब चीज़ें 5 साल से रुकी हुई है और हमने काम किया उनके घर पर, उनके गुरु की फ़ोटो अपनी जगह पर रखी है, हमने कुछ विश लिखवाए, कुछ काम किया और उनको 1.5 महीने में उनको उनके गुरु से लिखित, उनके गुरु रशिया में कहीं पर थे तो वहाँ से उनको चिट्ठी आई और उन्होंने मुझे कहा कि ये भी हो गया, यानी कि वो खुद को पाना चाहते थे। कुछ चीज़ें उन्होंने स्पिरिचुअल चीज़ें पूछी थी, उनके जवाब उनको मिले और आज उस बात को भी 8 साल हो गए तो वो काफ़ी आगे निकल गए अपने साधना में। क्या बात है। बट यूजुअली लोग जो आते होंगे आपके पास वो ये आते होंगे कि बिजनेस डबल हो जाए, पैसा मतलब yes. थोड़ा छप्पड़ फाड़ के बरसे हम छप्पड़ दोबारा बनवा देंगे लेकिन पैसा बरसना चाहिए, पैसा बरसना चाहिए बस। तो ऐसी कोई चीज जो आप हमारी देखने वाले सुनने वालों को बता सकें जिससे कि मतलब देखिए लोग लक्ष्मी को सिर्फ धन से वो करते हैं मतलब कंपेयर, बट मैंने जो जाना है वो ये है कि जब लक्ष्मी माँ आके विराजमान होती है तो धन ही नहीं सुख और शांति भी बरसती है, तब असल में लक्ष्मी माता का वहाँ वास हुआ उस घर में या जहाँ। तो ऐसा अगर कुछ बताना चाहें जो कि मन की शांति के लिए बताना चाहें या धन के लिए बताना चाहें जो कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। हाँ वैसे घर की शांति तभी होगी जब आपकी बीवी आपके साथ सही से घर में शांति बनाए रखे। सही बात है। और इसीलिए उसे ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है, वो भी लक्ष्मी का ही एक पार्ट है। जैसे लक्ष्मी के 8 प्रकार होते हैं तो ग्रह लक्ष्मी एक उनमें से एक पार्ट है। और इसका मैं कहूँगा कि साउथ ईस्ट जो दिशा है, साउथ ईस्ट की दिशा को हम लक्ष्मी की दिशा मानते हैं, यानी कि जब दीपावली में जब हम पूजा करते हैं तो हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट जो दुकानदार होते हैं शॉपकीपर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट में पूजा करो आप, क्योंकि लक्ष्मी की जगह वो है। मतलब यू शुड बी फेसिंग साउथ ईस्ट, यू शुड कीप योर टेम्पल ऑल्सो इन साउथ ईस्ट एंड यू शुड फेस ऑल्सो लाइक ईस्ट और साउथ। और तो वो एक तो आपने वहाँ पे साउथ ईस्ट को जब बैलेंस करते हैं तो वहाँ पे कोई भी ब्लू कलर का सामान है, ब्लू या काले कलर का सामान अगर है तो वो लक्ष्मी को वीक करता है, कमज़ोर करता है वहाँ पे। अच्छा। तो एक केस स्टडी बताऊंगा मैं कि हम हमारे क्लाइंट का 70 लाख का पेमेंट बाकी था और उन्होंने कहा कि ये जो क्लाइंट है हमारे ये हमेशा बराबर पेमेंट करते पर इस बार इनको 3 महीना हो गया पेमेंट अब तक आया नहीं है। तो वहाँ पे हमने एक सिंपल सा उनके आईटी के ऑफिस है तो वहाँ पे कुछ केबल्स पड़े थे ब्लू कलर के, तो मैंने सिर्फ वहाँ से ब्लू कलर के केबल उनके वेयर हाउस में शिफ्ट करवा दिए और उनको ये हमने कुछ 6:30 बजे किया और सुबह 11 बजे 70 लाख का पेमेंट आ चुका था उनके अकाउंट में। क्या बात है। तो लक्ष्मी ऐसे बरसती है जब आप उनको सही कहते ना कि लक्ष्मी है तो संभाल के मत रखो, लक्ष्मी मूव होनी होनी चाहिए। वैसे लक्ष्मी की जो दिशा होती है साउथ ईस्ट में अगर कुछ भी ब्लू है ब्लैक है या पानी दर्शाता है अगर जैसे वेव्स शेप है उसको थोड़े से प्लांट्स ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। और घर की शांति के लिए आपने पूछा जी, तो नॉर्थ ईस्ट और हाँ और चीज़ के साउथ ईस्ट जो होता है ये आपकी वाइफ की डायरेक्शन भी है। अच्छा। यानी जब भी आप साउथ ईस्ट से ब्लू कलर ब्लैक कलर या वेव शेप हटाते हो ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ की हेल्थ उनकी मेंटल स्टेट उनका गुस्सा वो सारा भी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना ऑटोमेटिकली शुरू होता है और उनके लव और उनके ब्लेसिंग्स आना शुरू होते हैं आपके लाइफ में जिसके वजह से और लक्ष्मी आना शुरू होती है। सो बेसिकली ये है कि आप मन की शांति इस तरह मतलब ये हाँ तोड़ है अगर मन की शांति सिर्फ बात कर रहे हो लाइक बिना वाइफ के तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो एनर्जीज है नॉर्थ ईस्ट में अदिति और दीति जो एनर्जीज है ये रेस्पॉन्सिबल आपको प्रॉपर शांति देने की। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हो, मैं भी 24 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, जब भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी लाल रंग का आ जाएगा जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में मैंने मंदिर जैसे ईशान कोण में मंदिर रखते हैं हम, ईशान कोण में मंदिर अगर रखा है आपने और वहाँ पर लाल कलर का कपड़ा भी रखा है आपने अगर उसको भी हटा दोगे तो भी शांति इतनी आ जाएगी आपके लाइफ में कि आप ऑटोमेटिक ध्यान करना शुरू करोगे और आपके सडनली आपको लगेगा कि जो अनवांटेड इश्यूज थे कि ये भी क्यों हो रहा है ये भी क्यों हो रहा है ये भी क्यों हो रहा है वो सारे धीरे धीरे कम हो जाएंगे वहाँ से लाल कलर हटाते ही, चाहे वो मंदिर का कपड़ा ही क्यों ना हो उसे आप रिप्लेस कर सकते हो गोल्डन से। सॉरी कमाल है। नहीं नहीं मैं तो मतलब ये अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि जी जो आप बता रहे हैं ये उन्हें हमें हम सबको प्रैक्टिस करके यू नो देखना चाहिए क्योंकि
यहाँ कम से कम इस पॉडकास्ट में देर आर नो चार्जेस और इसमें इतनी टिप्स मिल रही है, इस पॉडकास्ट में टिप्स मिल रही है, टिप्स मिल रही है। मैं कह रहा हूँ ये टिप्स आप करो तो इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि लाइफ सडनली चेंज हो गई है। तो कहीं ना कहीं पराग ये तो आपके मन में होता होगा कि कंपैशन जो है फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि देखो बर्थ से लेकर डेथ तक सब हैं तो अंधेरे में है ना। यस, तो मतलब अंधेरे में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर हम उजाले में हों, एनलाइटन हों, तो फिर न नाम का झगड़ा, न यू नो काम की फिक्र, फिर तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी ना। फिर आपको पता है कि यू नो व्हाट एवर यू आर अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस विल टेक केयर ऑफ यू। राइट राइट। बट मैं खुद को बहुत अज्ञानी मानता हूँ और मुझे लगता है कि जो दुनिया है वो भी अज्ञान में चल रही है और सबको शांति की खोज है और सबको पैसे की यू नो तलब है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप जो कर रहे हो वो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट यू नो काम है। यस यस। मैं सर आया था इसीलिए क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता था और यहाँ पे मैं सदगुरु को कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने इनके उनके पॉडकास्ट में उन्होंने यूट्यूब पे उन्होंने कहा था वीडियो में कि दुनिया गोल घूम रही है, सृष्टि घूम रही है ना, और हम सब भी घूम रहे हैं। तो जो भी अपने पर्पस ऑफ लाइफ से उनको जो चाहिए उसे अलाइन नहीं है तो वो पृथ्वी के साथ गोल घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो बच्चा आप कुछ करो ना करो, माँ बाप कुछ करें ना करें, वो बच्चा बड़ा तो होने वाला है, तो माँ बाप क्यों चाहिए? तो उनको प्रॉपर अच्छे से परवरिश दे सके, अच्छे से ज्ञान दे सके और उसको सही से अच्छा इंसान बना सके। सिमिलरली हम कुछ करें ना करें ज़िंदगी तो कटी रही है, अच्छी कटे बुरी कटे, लेकिन अगर सही परवरिश करनी है तो जब हम कुछ ये साइंसेस जो ऑटोमेटिकली बनी हुई है जो इतने सालों से चल रही है, थोड़ा सा कलर चेंज, थोड़ा सा डस्टबिन शिफ्ट, छोटे मोटे इश्यूज़ है वास्तु एस्ट्रोलॉजी जब भी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिंचाई होती है वो एकदम परफेक्ट अच्छी होती है और अब अच्छा अच्छे पर्पज़ ऑफ लाइफ से अलाइन होकर आप कुछ कर पाते हो जो आपको करना चाहिए। और इस वजह से क्योंकि ये होना चाहिए, हर आदमी अपने पर्पज़ ऑफ लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, इस वजह से हमने कोविड में हमने ऑलमोस्ट 40,000 फैमिली को फ्री में हेल्प किया था हमने, जहाँ पे हमने जूम पे सेशंस किए थे। और आपको जो सवाल पूछना है, मतलब हर सैटरडे को टाइम अलॉट करते थे, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछो, मैं बताऊँगा कि आपके घर में कहाँ क्या पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको इशू हो रही है, पर आप प्लीज़ गेट बैक, प्लीज़ गेट बैक। तो हमने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हमने किया ये। और ये जो तुम उनके घर में क्या हो रहा है ये कैसे देख लेते हो? सर ये साइंस है। जैसे मान लो मैंने कहा कि अभी जैसे आप हम पैसे की बात कर रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? कोई इंसान यानी कि कोई ग्राहक लेके आएगा, कोई कस्टमर लेके आएगा, यानी कि 10 इंक्वायरी आएगी तो शायद मेरी 5-6-7 कन्वर्ट होगी। तो इसको बोलते हैं फ्लो। और ये जो फ्लो है, ये फ्लो जब हम पंच तत्वों की बात करें तो ये फ्लो में कहाँ से आता है? पानी से आता है। पानी फ्लो होता है, यानी पृथ्वी वाटर एयर फायर अर्थ स्काई, तो वाटर है जो फ्लो करता है। तो पानी की दिशा जो है अगर यहाँ पे जब भी गड़बड़ होगी तो मेरे फ्लो में गड़बड़ होगी। तो पानी की दिशा उत्तर है, और उत्तर दिशा में अगर मान लो कि मैंने लाल कलर करके रखा हुआ है तो लाल मतलब अग्नि को दर्शाता है। तो पानी और अग्नि कैसा है? दे आर ऑपोजिट। जो जैसे यहाँ पे लाल कलर होगा तो मेरी वाटर वीक हो जाएगी, मेरा फ्लो कम हो जाएगा, मुझे कम क्लाइंट मिलेंगे। तो लाल कलर सिर्फ हटा देने से या उसको वाइट या ब्लू कलर जो पानी का कलर है सिर्फ इतना, या नॉर्मल सादा ऑफ वाइट कलर भी कर दो, क्रीम कलर भी कर दो, तो भी जब वो लाल कलर हटेगा तो पानी फिर से जैसी है वैसी हो जाएगी और आपको जो फ्लो चाहिए मनी का क्लाइंट का वो सारा ना शुरू हो जाएगा। तो बात तो इतनी सी है। तो यानी प्रॉब्लम से यू विजुलाइज कि व्हाट मस्ट बी द हर्डल। मतलब सबने वास्तु कैसे किया है कि उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, किताब में ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन सारे घर अलग है, आप हर चीज़ मैच नहीं कर सकते। और इसीलिए लोग वास्तु से डर भी गए एक टाइम पर, लोग डर गए कि कह रहे मेरे घर में ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो आएंगे तो बोलेंगे ये तोड़ो, ये बराबर को ऐसा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो मैच नहीं होने वाला है। पर अगर आप उल्टा देखो कि आपकी लाइफ जो चल रही है एक तरह से चल रही है, ये तो सच्चाई है कि मेरी लाइफ ऐसे चल रही है, तो उसी चीज़ को मैं चेंज करूँ। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या पूछता है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है? घुटने में हो रहा है तो हड्डी में हो रहा है, नस में हो रहा है, मांसपेशी में हो रहा है, उस तरीके से वो ट्रीटमेंट देता है। तो उतना ही अगर आप करो, वहाँ से बाहर निकल गए तो आप तो फिर कर सकते हो सब,
उतना सॉर्ट करके दे दो और हर आदमी खुश है, ना तोड़फोड़ की जरूरत है ना कोई जरूरत है, एग्जैक्टली वो चीज कर दो, हो गया उसका इलाज। मैं ये तो मानना पड़ेगा, मैं भी तोड़फोड़ से डरा हुआ था वास्तु को लेके। आप भी डरे हुए थे। पराग का हम लोग डेफिनेटली नंबर देना चाहेंगे और इस तरह की फ्री कंसल्टेशन नहीं मिलने वाली है, वो सिर्फ अगर आप मेरे को एजेंट बनाएंगे तो मिलेगी। लेकिन नहीं, सीरियस नोट पे वी विल गिव हिज नंबर इफ यू आस्क फॉर इट एंड आई थिंक यू शुड कंसल्ट हिम। आप इन्हें कंसल्ट करिए और देखिए कि जिंदगी, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं इनके मेरे पास कि मुझे लगता है कि जिंदगी को सरल और शांत बनाने में पराग आपका बहुत, आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। पराग, हम एक गिफ्ट देना चाहेंगे आपको। पराग फोसे की तरफ से ये वॉच हम आपको गिफ्ट करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नो, इट्स योर लव एंड आई विल एंश्योर दैट आई कीप इट। आपका नाम सुनके बड़े हुए, ये मेरे लिए एक प्रॉपर, मतलब कि इसको रखने वाला हूँ मैं हमेशा संभाल के। पॉडकास्ट इज पावर्ड बाय फोसे इंडिया लिमिटेड। सो मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये सिर्फ आपको समय दिखाएगा नहीं, ये आपका समय बदलेगा भी। थैंक यू सो मच फोसे ऑल्सो फॉर दिस एंड थैंक यू यू सर फॉर दिस लवली गिफ्ट। सो इट वॉज वंडरफुल एंड आई होप आई कैन हैव यू वंस अगेन ऑन द पॉडकास्ट विद perhaps a lot more questions that people ask and perhaps some of them we can, if they are not very wealthy, we can give them some free answers. We'll do it, sir, definitely. With you around, we'll do it. Yeah, thank it's you compassion. So very much. Thank you, sir. It's a blessing.